छोड़िए, भतीजा अलग है, चाचा अलग है। आप भतीजा भाई भतीजा की बात क्यों करते हैं? बात बहुत पुरानी बात हो गई। पूरा समर्थन भी है और मैं उनके चुनाव क्षेत्र में जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगा। चाचा भतीजे के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ अनुराग। चाचा भतीजा का नाम लेने से आप सोच रहे होंगे शायद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बात हम कर रहे हैं। जी नहीं, हालांकि वो तो चाचा भतीजा है, पॉलिटिकल चाचा भतीजा है, पर जो रियल चाचा भतीजा है उनके बीच जंग जारी है। जो राम विलास पासवान की विरासत की जंग है वो जारी है, समझ गए होंगे आप। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की। जी हाँ, चाचा भतीजे के बीच जंग जारी है। अरे भतीजा की बात छोड़िए, भतीजा अलग है, चाचा अलग है। आप भतीजा भाई भतीजा की बात क्यों करते हैं? बात बहुत पुरानी बात हो गई। उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। जिस बात की लड़ाई थी, जिस बात का मतभेद हुआ, मैंने 2020 में कहा था, पूरी पार्टी के लोगों ने कहा था, पूरी पार्टी के हमारे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सब लोगों ने कहा था कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव जीत के आए हैं, तुम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ो। आज यदि एनडीए गठबंधन में चुनाव हम लोग लड़ते आज पार्टी नहीं टूटती। उसी गठबंधन में आने के लिए चिराग पासवान परेशान है। उसमें कौन सी ऐसी इनोवा आ गई थी कि आप अकेले चुनाव लड़े? पूरा जो है सो पासवान जी के अरमान को आपने चकनाचूर कर दिया। इसलिए आप भतीजा की बात छोड़िए, अब चाचा की बात करिए। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान है। समय का आप इंतजार करिए, किनका घर टूटेगा किनका घर बसेगा वो आप लोग देख लीजिएगा। जो सामने में तो चुनाव होने वाला है ना 2024 का लोकसभा का, तो वो रिजल्ट आपके सामने में आ जाएगा। इसलिए समय का इंतजार करिए। संजय जायसवाल जी से हमारी भी मुलाकात हुई, पहले हमारे यहाँ आए थे तब गए थे चिराग पासवान जी के यहाँ। अरे राजनीति में ये सब चलता है। राजनीति में देखिए किसी से किसी को जमीन का झगड़ा है। संजय पासवान जी चले गए, चिराग पासवान जी के क्या हो गया? पार्टी भाजपा तो अपना उम्मीदवार दिया नहीं, जीवन कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया नहीं, तो आना जाना ये लगा रहता है। आप लीजिए देवयानी जी से बात कर, बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत पुरानी बात हो गई। पासवान की बार बार नाम लिया जा रहा है, आप जब है एनडीए में तो बार बार ये नाम क्यों लिया जा रहा है? क्यों नहीं कारण होगा? ये इस घर में है, इस घर में मैं अकेले हूँ कि सब लोग मिल के है? एनडीए बड़ी पार्टी है, पहले आप सुन लीजिए। आपने जब जवाब किया है सवाल सुनिए, एनडीए बड़ी पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है, विदेशों में भी एनडीए का गठबंधन है, भाजपा का गठबंधन है। और मैं खुद कहा हूँ कि जब दल टूटता है तो दल जुट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। मैं एनडीए भाजपा के लोगों को मैंने कहा है कि मैं अपने दल में चिराग पासवान जी को नहीं मिलाऊंगा, लेकिन आप एनडीए में रखना चाहते हैं तो मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मोकामा के चुनाव से मैंने यही घोषणा कर दिया। सुन लिया आपने, चाचा पशुपति कुमार पारस जो केंद्र में मंत्री हैं, अपने भतीजे सांसद चिराग पासवान के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। उनका कहना है कि उनका जो भतीजे का घर और भी टूटने वाला है और कई लोग उनके पाले में आने वाले हैं। कौन असली है और कौन नकली, इसकी जानकारी 2024 के चुनाव में लोगों को हो जाएगी, पता चल जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कि कौन असली है और कौन नकली। यानी पार्टी में जिस तरह से रामविलास की पार्टी लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई थी, चाचा भतीजा अलग अलग हो गए थे, चाचा ने राष्ट्रीय लोजपा बनाया था और भतीजे ने लोजपा रामविलास बना लिया था, तो ऐसे में चाचा भतीजे के बीच जंग जारी है। हालांकि बताएं आपको कि जिस तरह से चाचा एनडीए की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन भतीजे जो अघोषित तौर पर भी एनडीए के साथ हैं, 2020 में भी ये साथ थे एनडीए के, हालांकि बाद में उन्होंने राह अलग पकड़ ली थी, अलग चुनाव लड़ा था और तमाम सियासी समीकरण बिहार में बदल गए थे।
तो अब भतीजे के बारे में चाचा सुनना नहीं चाहते हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि भतीजे का घर और भी ज्यादा टूटने वाला है और कई लोग उधर से इधर आने वाले हैं और उन्होंने साथ ही साथ भतीजे पर हमला भी बोल दिया कि चिराग पासवान ने एनडीए में रहकर एनडीए को कमजोर किया है और अब एनडीए में आने को बेताब है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।